शुक्रिया आपको, आपको टेलर बहुत अच्छा लगा सर, दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म बनाई मैंने इसलिए कि लोगों को फिल्म पसंद आए, भोजपुरी का ट्रेंड कुछ चेंज हो। सबसे बड़ी बात एक ये है कि मेरी बहुत कोशिश ये रहती है कि सिनेमा को खूबसूरत बनाया जाए। आज आप भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, कहाँ से हैं? अरे रामचंद्र और संजय दोनों मेरी खींच रहे हो, कहाँ से आए भाई? ऐसा तो नहीं कि अमरपाली को देख के आप सोचे आज हम भी साथ चलते हैं कुछ? नहीं नहीं, अमरपाली मेरी फिल्म की हीरोइन है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ साथ के चले आए। नहीं सर, धचके तो हम ऐसे ही रहते हैं, कभी कभी धाव छू धूप तो कभी छाँव। अमरपाली जी के बारे में कुछ सही है? अमरपाली बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मेरी फिल्म में उन्होंने काम किया है, बहुत कोऑपरेट किया है, और न्यूज इस बार उन्होंने जो काम किया है मुझे बहुत हार्ट मतलब दिल को लगता है, दिल को लगता है, समझ लीजिएगा दिल को लगता है, सुन लीजिए दिल को लगता है हमारे प्रोड्यूसर को। दिनेश जी कुछ कहना चाहेंगे? दिनेश जी तो नाइस नेचुरल एक्टर, दिनेश जी जो एक्टिंग की है इस फिल्म में मुझे लगता है इससे पहले उन्होंने इस तरीके से ये किरदार ही नहीं रखा, ये एक्टिंग जो की एकदम नेचुरल एक्टिंग की है। एल एफ एनो समझते हैं आप, एल एफ एचो की ही कैपिंग की है। ये भोजपुरी सिनेमा की पहली बायोपिक फिल्म है जो आप बना रहे हैं? और हाँ, पहली बायोपिक है और बहुत बड़ा रिस्क भी लिया है मैंने भोजपुरी का ट्रेंड बदलने के लिए। मैं दर्शकों से अपील करूँगा कि एक बार फिल्म थिएटर में जाके जरूर देखें, और बहुत महंगी फिल्म बनाई है और ट्रेलर आपने देखा है, अब ट्रेलर से आपको अंदाज़ा लगा होगा कि मैंने किस लेवल पर जाके इस फिल्म को शूट कराया है। और लखनऊ में बहुत दिनों तक शूटिंग की है, संजय तो हमारा घर का प्यारो है, कुछ भी बोल सकता है, और रामचंद्र प्रोडक्शन का प्यारो है, कंपनी का, दोनों घेरे हुए हैं, जो मर्जी आ रहा था सवाल कर रहे हैं। तो बताना चाहेंगे जो बायोपिक है वो किसके ऊपर, किनके ऊपर बनी है ये फिल्म? वहाँ के चंपारण के रॉबिन हुड हैं, उनके ऊपर फिल्म बनी है, और डीडी के नाम से उनको लोग जानते हैं, और नाम वो ओपन तो कर ही दिया, डीडी के नाम से जानते हैं। तो उनकी भी कुछ झलक दिखेगी इस फिल्म में? पूरी झलक दिखेगी, पूरी फिल्म ही उनके ऊपर पूरी झलक दिखेगी, और एक रॉबिन हुड कैसा एक होता है वो पूरा दिखाया है, कोशिश की है। ये फिल्म जब बन रही थी उनसे बात हुई तो उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? उनसे बात नहीं, वो शायद अब हैं नहीं यहाँ पे, उनके घर में संतोष जी ने बात की है और उनसे इंस्पायर्ड है एक्चुअली इवेंट। फिल्म का संगीत क्या करना? म्यूजिक हमारे BLD ग्रुप का है, लियाकत भाई ने बड़ी मेहनत की है इसमें, और म्यूजिक आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा, बहुत खूबसूरत म्यूजिक बना है, और भोजपुरी ट्रेंड को बदलने की हमने कोशिश की है, जो गानों में वलगलती रहती है, लोगों को गंदे बन के गाने लगते हैं, ऐसा लगता है वैसा लगता है, भोजपुरी के बारे में लोगों की जो सोच है उस सोच को बदलने की हमने बहुत कोशिश की है, बेहंतिया कोशिश। आपके फिल्म में डबल मीनिंग कोई गाना नहीं है? कोई नहीं, आज तक मैंने कोई ऐसा सिनेमा किया ही नहीं, और भोजपुरी की ये पहली ऐसी बायोपिक फिल्म है जिसे आपको देख के लगेगा कि भोजपुरी को शायद बदलने के लिए कोशिश की। आज म्यूजिक लॉन्च पार्टी के स्पेशल गेस्ट कौन?